तकरीबन 6 महीने तो वादो इंतजार दे बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दी नई कमेटी का गठन हो चुकी है, लेकिन चोन प्रक्रिया दे दौरान उस दिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे दफ्तर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच दिल्ली दी पुलिस भी पहुंची सी, जिसनों लैके हुण दिल्ली दे सिखां विचों काफ़ी रोष प्रगटाया जा रहा है। आप जी नूं दस दईए कि इस दे चलदे दिल्ली कमेटी दे मैंबर सरदार तरविंदर सिंह मारवा ने भोगल दे इलाके विच अपना रोष प्रगटाया है। आप जी नूं दस दईए कि यह रोष उन्होंने एक पुतला फूक के प्रगटाया है, जिस विच उन्होंने नई कमेटी दे नियुक्त होए प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका ते कमेटी दे पहले प्रधान रह चुके सरदार मजिंदर सिंह सिरसा दा पुतला फूकिया है, ते नाल ही आख्या है कि भारत दे सिख हुण सेफ नहीं हन। इस दे नाल ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते गृह मंत्री अमित शाह नूं भी सुरक्षा की मांग की है। पत्रकारां नाल गलबात करदियां होर की कुछ किया सरदार तरविंदर सिंह मारवा ने, आओ सुनदे हां। शीश कटवा लिता अपना, लेकिन उन्होंने कहा असीं मुसलमान नहीं बनाउंदे, जितने भी पिंड हैगे सी असीं आए आ, अज असीं अगर गुरु महाराज नूं भी बचा सके ऐसी कि जान देने जो दूर हो गए। इस करके मैं कहना चाहता हूँ और सच्चाई सामने देखी है, आप पढ़े लिखे है गए हो, हर टाइम हर विषय देखा गया है, हर मतलब की जब पुलिस आई मतलब वर्दी पुलिस बोल रही है कि तुम मतलब कितना अत्याचार, इतना मतलब गुरु ग्रंथ साहब का 1.5 घंटा गुरु ग्रंथ साहब के पीछे कोई सत्कार नहीं, कई ने भूख पा रखे थी, मैं पहले भी क्या और इस तरह कुमरे जी ने पा रखना वा कि तुसी और जेड़े अफसर उत्थे सी सरकार नूं चेतावनी देना चाहे डायरेक्टर होए दिल्ली साढ़े इलाके के नुमाइंदे और केंद्रीय गुरु सिंह सभा के प्रधान सुरेंद्र सिंह जी मारवा जी जेड़े इस इलाके तो कैंडीडेट भी ने, ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा के प्रधान भी, वो दोनों पार्टियां जिन्हें भेजा है ना वो माफी नहीं मांगेगी। खास संगत जी तैयार पे तैयार रहना, ये आज एक दरबार खुल गया है आपके गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते दरबार खुल गया है, हर गुरुद्वारे जद मर्जी पुलिस मर जाएगी बूटे लह के तुझे रोक, तो इस करके आज अस सब तू पहले मैं तो कहना चाहूँगा कि 22 तारीख बड़ा मनूस दिन सी, रात नूं 9 बजे 30 काफरां ने गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच सत्रह सौ अठ विच गुरु ग्रंथ साहब विराजमान होया, स्थापना हुई। उस तो बाद कितने सौ साल हो गए
कितने मुगल शासक आए, अंग्रेज भी आए, उन्होंने स्वर्ण मंदिर अंग्रेजों ने भी ताला मारिया, फिर ताला खोलिया भी, कुर्बानियां दित्तियां, लेकिन जिथे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी सी उत्थे आज तक पुलिस नहीं गई। पुलिस 30 मसंडियां ने मिलाया, उन्हों का बोझ जड़ा है डकैत सिरसा जड़ा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनया आ, उन्हें मिल के षड्यंत्र रचिया क्योंकि इलेक्शन ये हार रहे सी। एक वोट की गल सी, इन्होंने क्या एक दिन पहले 30 वोटा है नाल भी दिखाए ने, शकलां भी दिखाइया ने, लेकिन अगर एक वोट के पिछे और गलती तुहाडी हैगी है, तुसी अनाउंसमेंट किया चुनाव होने तो पहले कि जेड़ा वोट दिखाएगा उसकी वोट इनवैलिड होएगी। और गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी विच मैं उस तो भी नहीं जाता, मैं चुनाव तो भी नहीं जाता, चुनाव अगर 2 दिन बाद हो जाता की हो जाता। पुलिस 9 बजे एंट्री की है, 40-50 पुलिस वाले जिन्होंने जुत्ते भी डाल रखे सी उन्होंने जेबां 100% बीड़ी सिगरट भी सी, लेकिन तंबाकू भी किसी ने उन्हें चेक नहीं किया। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का घोड़ा 2 किलोमीटर पहले रुक गया सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का घोड़ा रुक गया सी 2 किलोमीटर, जो कि अगे जे सी तंबाकू दे खेत सी। और इत्थे की होया, गुरु ग्रंथ साहब के हाजरी हजूरी विच पुलिस वाले दे जेब विच तंबाकू सी। मैं दावे नाल कहना चाहता वा कि जिथे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है उत्थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चीफ नूं भी पावर नहीं है कि वह उत्थे पुलिस भेज सके, प्राइम मिनिस्टर नूं भी पावर नहीं है, राष्ट्रपति नूं पावर नहीं है, होम मिनिस्टर नूं पावर नहीं है। जिथे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है उत्थे कोई भी नहीं जा सकता, पुलिस वाला वर्दी डाल के असला लैके। लेकिन ये जड़ी चीज हुई है, साध संगत जी दिल्ली की साध संगत सुन लो, अज पंजाब की साध संगत सुन लो, अज ये अज उन्होंने एंट्री मिल गई है गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच। 1708 तो बाद पहली एंट्री मिल गई गुरु ग्रंथ साहब दे विच पुलिस दे जुत्ते डाल के जाने की एंट्री। अगे तुहाडे गुरुद्वारिया विच अजी असी हिंदुस्तान विच सेफ नहीं हैगे, क्योंकि असां दा धर्म सेफ नहीं हैगा, गुरु ग्रंथ साहब सेफ नहीं हैगा, तो असी की सेफ हैगे आ। मैं प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर नूं अपील करदा वां कि जल्द तो जल्द जिन्हें कर्मचारी पुलिस वाले अंदर गए हैगे उन्होंने टर्मिनेट करो और माफ़ी मंगो कि इहदा नाम की गलती हो गई है, क्योंकि उन्होंने पुलिस वाले ये नहीं पता कि गुरु ग्रंथ साहब के अगे वर्दी डाल के नहीं जा सकते। साढ़े 11 इलेक्शन शुरू होया, 9 बजे तक तो पगड़ियां उतरिया नहीं, उस तो बाद किस तरह उतरिया, 8 घंटे तक कोई पगड़ी नहीं उतरी, कोई हत्था पाई नहीं हुई, सिर्फ बैठ के ये कहते सी कि जेड़ी इनवैलिड वोट है उन्हें तुसी इनवैलिड करो और बक्से चू निकाल दो, सिर्फ एक ही डिमांड थी। इन्होंने खुद ही क्या है कि 2 पर्चियां डाल लो, अगर वो इनवैलिड सी तद इन्होंने कहा ना 2 पर्चियां डाल लो या उस वोट नूं अलग रख दियो, अगर असां दी 25 निकलियां तो असां नूं दे देना। हाँ नहीं, उत्थे कोई गाला नहीं कटी गई, मैं उत्थे मौजूद सी, सिर्फ उत्थे जिथे बक्सा सी उत्थे जाके सरना गुटने बैठ गए कि वो वोट निकाल दो और चुनाव चालू करा दो। इहदे च कोई गलती हैगी है ना, किसी की हत्था पाई हुई है, किसी की भी नहीं हुई है, एक मैंबर की भी हत्था पाई नहीं हुई है, आपस बड़े प्यार दे नाल उत्थे बैठ गए, जदों वो भी उस टाइम बैठते थे जदों वोटिंग चालू करता थी, वो गुरदेव सिंह उन्होंने कुछ नहीं पता, गुरदेव सिंह कि इलेक्शन किस तरह कराएंगे।
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋੜੋ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬੇਦਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੋੜੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੇਦਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਦਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਨੋਨੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਭੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਜੋਇਨ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।